उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग के पास देर रात लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के मलबे के नीचे कई यात्री दब गए। सोमवार देर शाम हुए लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या 5 पहुंच गई है, जबकि 3 लोग अभी भी घायल हैं। आपको बता दें कि बीते रोज रात को गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर आ रहे कुछ यात्रियों के ऊपर पहाड़ी से मलबा पत्थर आने पर दबने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों ने बचाव कार्य शुरू किया। वहीं अब गौरीकुंड में रुके यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग भिजवाया जा रहा है। रुनेकी की रिपोर्ट। सोनप्रयाग के नज़दीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने के कारण वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा 5 मृतकों और 3 घायलों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों से अपील की जाती है कि वह मौसम खराब होने पर 6 बजे के बाद अपनी सुरक्षा को देखते हुए आगे की यात्रा करें। कल दिनांक 9 सितंबर को केदारनाथ से वापसी में स्थान कटिया में एक दर्दनाक घटना घट गई, जिसमें लगभग हमारे 5 यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई और 3 उसमें घायल हुए। जो घायल यात्री हैं उनको अग्रेतर इलाज के लिए हायर सेंटर को भेज दिया गया है। यह घटना लगभग 7 बजे की बात है, उसमें बारिश भी शुरू हुआ था और गौरीकुंड में स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा भी संबंधित यात्रियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश वो रुके नहीं वहाँ पर और आगे जाके जो मुनकटिया नामक जगह है वहाँ पर लैंडस्लाइड होने से घटना घटी है और घटना की जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं और किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में अगर जानकारी चाह रहे हैं तो हमारे आपदा के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं।